मित्रों, साथियों, दोस्तों, आज मैं राष्ट्र समाज के एक मुद्दे को लेकर के आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। मामला क्या है कि राजस्थान के अंदर सीएम बनने की अड़चन हो रही है, क्योंकि अशोक जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो ये सीट के नाम आ रहा है कि भाई सीएम पद से हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में जब ये होता है, ऐसा चेंजिंग आती है और जब चुनाव में एक साल बाकी है, इससे बढ़िया मौका अशोक जी के भी कोई नहीं होगा, गांधी परिवार के लिए भी कोई नहीं होगा कि आज 140 सीटों पर जो जाट समाज है वो ताकत रखता है और कांग्रेस के साथ रह करके जीत दिलवाता है। तो मैं सोचता हूं कि आज मौका है सोनिया जी के भी अब आखिरी पड़ाव के अंदर ये डिसीजन लेकर के जाटों की जो बात खड़ी है पिछले 75 साल से उसको ये यस करनी चाहिए। और अशोक जी के ऊपर भी बार बार ये बात लोग लगाते हैं कि भाई मैं तो बहुत टाइम से जाट रह रहा हूं, ऐसा महसूस नहीं होता मेरे को, लेकिन हमारे जाट समाज के लोग अमूमन ये बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो आज उनको भी ये मौका है। और मौके के साथ एक बात मैं और बता दूं आपको, जो मेन मुद्दे की बात है, अशोक जी पहली बार सीएम रहे, 156 की 56 आई, दूसरी बार 96-98 सीट 100 के आसपास थी तो 21 आई। मैं कह रहा हूं कि आज ये मौका है जाट को मुख्यमंत्री बना के देखो और आपको जाट की ताकत का भी मालूम पड़ेगा आने वाले टाइम में कि सरकार अगर रिपीट करे तब तो कहना कि हम लोगों ने जब कहा ये बात रखी और आपने हमारी मानी तो उसका यह फायदा होगा। मैं ये सोचता हूं कि जाट मुख्यमंत्री अगर बनाओगे तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के बहुत बड़े चांस रहेंगे। और ये बात सही बात है, आज मौका है अशोक जी के लिए, गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। और आज चर्चाएं चल रही है, वो गया, वो आया, ऐसा हुआ, इसमें हुआ, इस तरीके की कोई बात नहीं। जाट कौम एक ऐसी है जो 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। मेरा इस बात में तजुर्बा है कि मैं 22 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूं, SC ST OBC और माइनॉरिटी का 16 साल से मैं अध्यक्ष हूं राजस्थान का, 2 साल से मैं भारतीय किसान यूनियन टिकेट का भी अध्यक्ष हूं, 36 कौमों के साथ रहता हूं, हर कौम की मीटिंग अटेंड करते हैं। जाट समाज का कोई गांव और मेजोरिटी हो उसमें तो सारे जितनी भी कौमें वो सब सुखी रहती है, सबको साथ लेके चलते हैं। एक बार ये मौका, आज जो मौका आया है ये मौका जाट समाज को मिलना चाहिए। समाज के अंदर आपको जो अच्छा लगे, ठीक लगे, जाट समाज के जो भी हैं सब अच्छे हैं और ठीक है, जिसको भी बनाओगे, जाट समाज में एक खासियत है, ईमानदार, मेहनती और समय देता है, ये तीन ही चीज चाहिए आदमी को आगे बढ़ने के लिए, अच्छाई के लिए, वो सब हमारे समाज के अंदर मौजूद है। तो मैं सोचता हूँ आने वाला समय जो है वो कांग्रेस और जाट समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। मैं जाट समाज की भावनाओं का साथ जुड़ करके और ये कहना चाहता हूं, आप लोगों के जो विचार और भावना है, जो आपकी मांग और डिमांड है और जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी इच्छा मैं जाहिर कर रहा हूं इस सरकार के मुखिया अशोक जी और कांग्रेस के मुखिया सोनिया गांधी जी से। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को समाज बहुत टाइम से इंतजार में है और आप लोग अगर मौका देंगे, और देना भी चाहिए कि जाट समाज ने क्या कांग्रेस को क्या नहीं दिया या क्या नहीं किया कांग्रेस के लिए, पीढ़ियां ठपकी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में रहे। मैं आज 77 साल का मतलब पैदा हुए तब सुनते थे कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी और बढ़िया बात है कि ये मौका नहीं खोंगे, दोनों के लिए अच्छी बात है। और मैं आप लोगों की विचार, जो आपकी सोच भावनाओं का मैं आदर करते हुए आपकी भावना मैंने प्रकट करी है, इनको बताया, जानकारी दी, मैं इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।